हिसाब से पान की दुकानों पर सुबह से लोगों का तांता लगा रहता है, उससे साफ जाहिर होता है कि पान बनारस की जिंदगी का सबसे रंगीला स्वाद है। बनारस जो समग्र बनारस है, वो आपको पान की दुकानों में उसका अवलोकन आप कर सकते हैं। आपस के प्रेम जो है पान के में दर्शाता है, जिस वजह से लोग कहते हैं कि यार चलो दुबला पान लड़ जाए या दुबला पान जम जाए, तो इससे एक जो है अपने की भावना झलकती है, जिसे लोग कहते हैं कि बनारस में पान नहीं खाए तो मजा नहीं आया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बनारस पान के बाजार के लिए बुलंद रहा है, लेकिन बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र में पान का कोई भी कच्चा माल पैदा नहीं होता। फिर भी यहाँ के पान की खासियत यह है कि चूना, कत्था, सुपारी, तंबाकू और जहाँ तक कि पान के पत्ते का रख रखाव बदल कर शानदार स्वाद में ढाला जाता है, और हर एक पान वाले के पास इस रख रखाव की अदा निराली है। यह जोर भी होता है कि उसके स्वाद की मौलिकता बनी रहे और इसे कोई चुरा ना ले जाए। पान का पत्ते का क्वालिटी अलग होता है, इसके अलावा जो कत्थे का मिश्रण है, कत्थे बनाने का ढंग अलग अलग होता है। कत्था किस तरह पकाया जाता है, किस तरह उसको बनाया जाता है, उसमें कौन सा इत्र डाला जाता है, यही सब खासियत है इसकी। पूरे बनारस में हमारे 14,000 पान विक्रेता भाई हैं, जो कि इन लोगों का सबका अपनी अलग अलग क्वालिटी है, एक दूसरे से किसी की मिलती नहीं है, इसलिए हर अलग अलग स्वाद मिलता है, इसलिए इसको विशेष रूप से बनारसी पान को महत्व दिया जाता है। यूं तो हर एक बनारसी पान अपने आप में अलग है, पर मगही पान की इन सब में अपनी एक अलग पहचान है। मगही पान के पत्ते स्वाद में तो अनोखे होते ही हैं, लेकिन आकार में सबसे छोटे और सुर्ख पीले रंग के होते हैं। मगही पान की टोकरी, जिसमें कि 200 पान के पत्ते होते हैं, करीबन 150 रुपए की आती है। दूसरी तरफ साधारण पान की टोकरी 50 रुपए तक मिल जाती है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि बने हुए पान की कीमत 2 रुपए से लेकर 600 रुपए तक हो सकती है। आप बनारस आए और पान ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बनारस में करीबन 14,000 पान की दुकानें हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर दुकान पे स्वाद अलग। वो इसलिए क्योंकि कत्था, चूना एवं तंबाकू हर चीज़ घर में बनाई जाती है, और वो भी अपने हाथ से। गुड मॉर्निंग मेट्रो के लिए आशीष महर्षि, विश्वनाथ गली, वाराणसी।